हेलो फ्रेंड्स, आज मैं घर पर ही मैंगो फ्रूटी बनाने जा रही हूँ। आपको मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको क्या लेना है? इसके लिए आपको मैंगो लेने हैं। मैंगो लेने के बाद आपको क्या करना है, इनको अच्छे से छील लेना है। मैंगो मैंने कुछ मेरे मैंगो खट्टे और मीठे हैं, दोनों टाइप के हैं मेरे मैंगो। फिर इनको क्या करना है, आपको छोटे छोटे पीसेज में आपको कट कर लेना है। देखिए, कुछ मैंगो मेरे येलो हैं और कुछ वाइट हैं बीच में से, जिससे आपको खट्टे और मीठे दोनों का स्वाद आएगा। फिर आपको कट कर लेने के बाद आपको एक मिक्सी जार लेना है और लेने के बाद आपने इसमें ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद देखिए इस टाइप का पेस्ट तैयार होगा। फिर इसको एक बोल में निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ये बिल्कुल महीन पेस्ट बन चुका है। इसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड किया है, हाफ कप पानी ऐड किया है मैंने इसमें। और फिर मैंने एक पैन को गरम करना है। थोड़ा सा इसको गरम होने दीजिए और फिर पैन में इस सामग्री को ऐड कर दीजिए। देखिए अभी ये थोड़ी डार्क दिख रही है और गरम होने के बाद ये थोड़ी लाइट शेड में आएगी, जो आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगी हल्की हल्की। इसमें हाफ कप पानी ऐड कर दीजिए। फिर इसको एक हिलाइए, अच्छे से स्पून की मदद से आप इसको हिलाइए। और इसको 5 मिनट तक पकने दीजिए, जिसमें हल्के हल्के इसमें बबल्स भी दिखेंगे आपको। और इसमें आपको कलर चेंज होता भी दिखाई देगा। फिर आप इसमें ही अभी 5 मिनट के बाद आप इसमें शुगर ऐड कीजिए। शुगर आप अपने मिठास अनुसार ले सकते हैं। आपको मीठा पसंद है तो ज्यादा लीजिए, कम पसंद है तो थोड़ा कम लीजिए। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मतलब शुगर लिया। देखिए थोड़ी आपको लाइट होती दिख रही है, पहले से थोड़ा कलर चेंज आया है। इसको अच्छे से हिलाइए। जो ये साइड्स में लगे हुए हैं आप इसको भी अच्छे से क्लीन कर लीजिए। देखिए इस टाइप का ये ट्रांसपेरेंट हल्का हल्का आपको दिखाई देगा होता हुआ। पहले से कलर चेंज भी हो चुका है मेरे वाले का। देखिए, फिर आपको गैस को बंद कर देना है। एक बाउल लेना है और छलनी लेनी है। इसको आप अच्छे से छान लीजिए। और आप इसको एक चम्मच की मदद से हिलाते रहिए, नीचे आपका जो जूस है वो निकल जाएगा। देखिए धीरे धीरे नीचे निकल रहा है। मैंने इसको चम्मच की मदद से, देखिए इस टाइप का जूस रेडी है। ये कितना ट्रांसपेरेंट लग रहा है। फिर आप इसमें ठंडा पानी मिला सकते हैं आवश्यकता अनुसार। दो आम में कम से कम 1 लीटर मैंगो फ्रूटी बनकर रेडी होगी। फिर आप इसको 10 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी बोतल में। इसको आप अपने बच्चे को स्कूल में भी दे सकते हैं या ऑफिस में भी ले जा सकते हैं अपने साथ। एक एनर्जी ड्रिंक का काम करेगी ये।
फिर मैंने इसको सर्विंग जार में निकाल लिया। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया और पीने में भी ये बहुत टेस्टी लगी। प्लीज आपको यदि मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट कर बताएं कि आपने भी क्या ट्राई किया था, क्या आपकी कैसी बनी। अच्छी बनी तो मुझे कमेंट कीजिए और नहीं बनी तो मुझे वो भी बता दीजिए। हमारी तो टेस्टी बनी थी। थैंक यू।